सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को दबाकर ऑल नोटिफिकेशन सेलेक्ट कर लीजिए ताकि इसी तरह की वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनुज, वेलकम टू आवर चैनल। सो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैं अपने इस चैनल पर बिहार दरोगा का प्रैक्टिस सेट करवा रहा हूँ। सो फ्रेंड्स, आज के प्रैक्टिस सेट नंबर 47 की तरफ चलते हैं, देख लेते हैं इसका पहला क्वेश्चन। सो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा की सतह पर उतरने वाला पहला आदमी कौन है? सो फ्रेंड्स, वन का आंसर होगा ए, नील आर्मस्ट्रॉन्ग। नेक्स्ट टू नंबर क्वेश्चन है, हमारे ग्रह का प्राकृतिक उपग्रह निम्न में से कौन है? सो फ्रेंड्स, टू का आंसर होगा डी, चंद्रमा। नेक्स्ट थ्री नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस रंग का अधिकतम तरंग दैर्ध्य है? सो फ्रेंड्स, थ्री का आंसर होगा सी, लाल। नेक्स्ट फोर नंबर क्वेश्चन है, सूर्य में नाभिकीय ईंधन है? सो फ्रेंड्स, फोर का आंसर होगा बी, हाइड्रोजन। नेक्स्ट फाइव नंबर क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिवता की खोज करने वाला कौन था? सो फ्रेंड्स, फाइव का आंसर होगा ए, बेक्वेरेल। नेक्स्ट सिक्स नंबर क्वेश्चन है, विद्युत बल्ब का तंतु बना होता है किसका? सो फ्रेंड्स, सिक्स का आंसर होगा बी, टंगस्टन का। नेक्स्ट सेवन नंबर क्वेश्चन है, एक सुरक्षा फ्यूज में तापक्रम जिस पर ताप पिघल जाता है निर्भर नहीं करता है किस पर? सो फ्रेंड्स, सेवन का आंसर होगा सी, फ्यूज तार की लंबाई पर। नेक्स्ट एट नंबर क्वेश्चन है, विद्युत वाहक बल तुल्य है किसके? सो फ्रेंड्स, एट का आंसर होगा ए, ऊर्जा प्रति इकाई आवेश का। नेक्स्ट नाइन नंबर क्वेश्चन है, जोड़ने पर दो आवेशित वस्तुओं के बीच धारा का प्रवाह नहीं होता है यदि उनके बराबर है क्या? सो फ्रेंड्स, नाइन का आंसर होगा डी, विभव। नेक्स्ट टेन नंबर क्वेश्चन है, मायोपिया ग्रस्त आँखों का संशोधन किया जाता है किसके द्वारा? सो फ्रेंड्स, टेन का आंसर होगा बी, अवतल लेंस के प्रयोग द्वारा। नेक्स्ट एलेवन नंबर क्वेश्चन है, यदि एक निश्चित कोण में से होकर एक समतल दर्पण को घुमाया जाता है तो परावर्तित किरण उस कोण का दुगुना में से होकर घूमता है एवं प्रतिबिंब का आकार क्या हो जाता है? सो फ्रेंड्स, एलेवन का आंसर होगा डी, एक ही रहता है। नेक्स्ट ट्वेल्व नंबर क्वेश्चन है, 12 सेंटीमीटर दूरी पर स्थित एक लैंप एवं एक पर्दा के बीच एक लेंस को ऐसे रखा जाता है ताकि पर्दे पर बना प्रतिबिंब लैंप का तिगुना है, लैंप एवं लेंस के बीच की दूरी कितनी है? सो फ्रेंड्स, 12 का आंसर होगा ए, 4.5 सेंटीमीटर। नेक्स्ट 13 नंबर क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि के कारण सुनी जाती है, प्रतिध्वनि डैश के कारण सुनी जाती है। सो फ्रेंड्स, 13 का आंसर होगा ए, ध्वनि तरंग के परावर्तन के कारण सुनी जाती है। नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन है, 20 डिग्री सेल्सियस पर वायु में ध्वनि की चाल 343 मीटर पर सेकंड है तो 40 डिग्री सेल्सियस पर चाल क्या होगी? सो फ्रेंड्स, 14 का आंसर होगा ए, 355 मीटर पर सेकंड। नेक्स्ट 15 नंबर क्वेश्चन है, तड़ित की आवाज़ सुनने से पहले विद्युत की चमक दिखाई देती है, कारण क्या है? सो फ्रेंड्स, 15 का आंसर होगा ए, प्रकाश की चाल ध्वनि की चाल से अधिक है। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन है, 22.4 डिग्री सेल्सियस पर 100 ग्राम जल द्वारा बर्फ के जो संहति को पिघलाया जा सकता है वह है? सो फ्रेंड्स, 16 का आंसर होगा बी, 28 ग्राम। नेक्स्ट 17 नंबर क्वेश्चन है, गैस समीकरण PV=RT में R की SI इकाई क्या है? सो फ्रेंड्स, 17 का आंसर होगा सी, जूल मोल, जूल पर मोल पर केल्विन। नेक्स्ट 18 नंबर क्वेश्चन है, एक लड़का अपने दाहिने हाथ में एक बाल्टी जल एवं बाएं हाथ में एक मछली वहन करता है, वह मछली को बाल्टी में डाल देता है एवं मछली बाल्टी के पानी को छलकाए बिना तैरना शुरू कर देती है, लड़के द्वारा वहन किए गए कुल वजन क्या होगा? सो फ्रेंड्स, 18 का आंसर होगा डी, एक ही रहेगा। नेक्स्ट 19 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस माध्यम में एक खिलौना गाड़ी अधिकतम वजन दर्शाएगी? सो फ्रेंड्स, 19 का आंसर होगा डी, निर्वात में। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, एक फ्लास्क का द्रव्यमान 17 ग्राम है जब वह खाली है एवं 0.80 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब घनत्व वाला अल्कोहल से भरे जाने पर उसका द्रव्यमान 193 ग्राम होता है, फ्लास्क का आयतन क्या है? सो फ्रेंड्स, 20 का आंसर होगा डी, 220 सेंटीमीटर क्यूब। नेक्स्ट 21 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक रासायनिक परिवर्तन नहीं है? सो फ्रेंड्स, 21 का आंसर होगा बी,
जल का वाष्प में परिवर्तन। नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन है, एक यौगिक नेफ्थलीन जैसा गंध देता है, निम्न में से कौन सा प्रयोग प्रमाणित करेगा कि यौगिक नेफ्थलीन है। सो फ्रेंड्स 22 का आंसर होगा बी, वह कीटों को मार डालता है। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन है, अमोनियम क्लोराइड एवं सोडियम क्लोराइड का एक मिश्रण को अलग किया जाता है किसके द्वारा। सो फ्रेंड्स 23 का आंसर होगा सी, ऊर्ध्वपातन द्वारा। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन एक यौगिक नहीं है। सो फ्रेंड्स 24 का आंसर होगा डी, हीरा। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन है, एक संतुलित रासायनिक समीकरण में अभिकारक पक्ष एवं उत्पाद पक्ष में बराबर संख्या के है। सो फ्रेंड्स 25 का आंसर होगा ए, परमाणु। नेक्स्ट 26 नंबर क्वेश्चन है, मिथेन अणु का आकार कैसा है। सो फ्रेंड्स 26 का आंसर होगा सी, चतुष्फलकीय है। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा पदार्थ ठोस अवस्था में विद्युत का चालन कर सकता है। सो फ्रेंड्स 27 का आंसर होगा ए, ग्रेफाइट। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन है, किसी तत्व के परमाणु संगति को अभिव्यक्त किया जाता है किसके द्वारा। सो फ्रेंड्स 28 का आंसर होगा डी, AMU द्वारा। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन एक सर्वदा पूर्ण संख्या है। सो फ्रेंड्स 29 का आंसर होगा सी, परमाणु क्रमांक। नेक्स्ट 30 नंबर क्वेश्चन है, तापक्रम एवं दाब को सदृश स्थिति के अंतर्गत सभी गैसों के बराबर आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है, यह कथन किसका है। सो फ्रेंड्स 30 का आंसर होगा बी, एवोगाड्रो का। नेक्स्ट 31 नंबर क्वेश्चन है, सभी गैसें द्रवित होती है जब तापक्रम डैश तक घटाया जाता है। सो फ्रेंड्स 31 का आंसर होगा सी, -273 डिग्री सेल्सियस तक घटाया जाता है तब। नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन है, 0 डिग्री सेल्सियस पर सभी गैस का आयतन 273 मिली है, 273 डिग्री सेल्सियस पर आयतन क्या होगा। सो फ्रेंड्स 32 का आंसर होगा सी, 546 मिली। नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन है, असंतृप्त तेलों का हाइड्रोजनीकरण में प्रयुक्त उत्प्रेरक है क्या। सो फ्रेंड्स 33 का आंसर होगा बी, निकेल। नेक्स्ट 34 नंबर क्वेश्चन है, साम्य एवं दाब तापक्रम एवं सांद्रता के प्रभाव का निगमन डैश द्वारा किया जाता है। सो फ्रेंड्स 34 का आंसर होगा सी, लॉ सातेलिए के सिद्धांत के द्वारा। नेक्स्ट 35 नंबर क्वेश्चन है, एक विद्युत विश्लेषी का संतृप्त घोल में। सो फ्रेंड्स 35 का आंसर होगा बी, अधिक विलेय को घुला नहीं सकता है। नेक्स्ट 36 नंबर क्वेश्चन है, संपर्क विधि में गंधकाम्ल के निर्माण में प्रयुक्त उत्प्रेरक कौन सा है। सो फ्रेंड्स 36 का आंसर होगा सी, 36 का आंसर सी, V2O5। नेक्स्ट 37 नंबर क्वेश्चन है, जब NH3 को अधिक मात्रा में क्लोरीन के साथ अभिक्रिया कराने पर बनने वाला उत्पाद कौन सा है। सो फ्रेंड्स 37 का आंसर होगा सी, N2+NH4Cl। नेक्स्ट 38 नंबर क्वेश्चन है, तांबा का सांद्र नाइट्रिक अम्ल के साथ तेजी से गर्म करने पर क्या बनता है। सो फ्रेंड्स 38 का आंसर होगा बी, NO2। नेक्स्ट 39 नंबर क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता का विस्तार कहाँ हुआ था। सो फ्रेंड्स 39 का आंसर होगा डी, पंजाब राजस्थान और गुजरात में। नेक्स्ट 40 नंबर क्वेश्चन है, उपनिषदों में मुख्यतः विवेचित है क्या। सो फ्रेंड्स 40 का आंसर होगा बी, दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट 41 नंबर क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला धर्मोपदेश कहाँ दिया था। सो फ्रेंड्स 41 का आंसर होगा बी, सारनाथ में। नेक्स्ट 42 नंबर क्वेश्चन है, अजंता के चित्रों में किन कथाओं का चित्रण किया गया है। सो फ्रेंड्स 42 का आंसर होगा डी, जातक का। नेक्स्ट 43 नंबर क्वेश्चन है, हर्षवर्धन के राज्य में किस शहर को महत्व प्राप्त हुआ था। सो फ्रेंड्स 43 का आंसर होगा ए, कन्नौज को। नेक्स्ट 44 नंबर क्वेश्चन है, विक्रमादित्य की उपाधि किसने ग्रहण की थी। सो फ्रेंड्स 44 का आंसर होगा सी, चंद्रगुप्त ने। नेक्स्ट 45 नंबर क्वेश्चन है, मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से देवगिरी क्यों हटाई थी। सो फ्रेंड्स 45 का आंसर होगा सी, देवगिरी का केंद्र में स्थित होने के कारण।
नेक्स्ट 46 नंबर क्वेश्चन है, विजयनगर साम्राज्य के अवशेष कहाँ पाए गए हैं। सो फ्रेंड्स 46 का आंसर होगा बी, हम्पी में। नेक्स्ट 47 नंबर क्वेश्चन है, पानीपत की तीसरी लड़ाई में मराठों को किसने हराया था। सो फ्रेंड्स 47 का आंसर होगा बी, अफगानों ने। नेक्स्ट 48 नंबर क्वेश्चन है, अकबर का दरबारी कवि कौन था। सो फ्रेंड्स 48 का आंसर होगा डी, रहीम खान। नेक्स्ट 49 नंबर क्वेश्चन है, किस मुगल सम्राट का भारत के ज़्यादातर हिस्सों पर शासन था। सो फ्रेंड्स 49 का आंसर होगा डी, औरंगजेब का। नेक्स्ट 50 नंबर क्वेश्चन है, शेरशाह की महानता को जाना जाता है किसके कारण। सो फ्रेंड्स 50 का आंसर होगा सी, उसके प्रशासनिक सुधार के कारण। नेक्स्ट 51 नंबर क्वेश्चन है, औरंगजेब ने अपने पिता शाहजहाँ को कैद में किस स्थान पर रखा था। सो फ्रेंड्स 51 का आंसर होगा बी, आगरा किला में। नेक्स्ट 52 नंबर क्वेश्चन है, 1699 ईस्वी में किसने खालसा पंथ की स्थापना की थी। सो फ्रेंड्स 52 का आंसर होगा सी, गुरु गोविंद सिंह ने। नेक्स्ट 53 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। सो फ्रेंड्स 53 का आंसर होगा सी, पूना पेशवा। नेक्स्ट 54 नंबर क्वेश्चन है, 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में कौन सहभागी नहीं था। सो फ्रेंड्स 54 का आंसर होगा सी, दिलीप सिंह। नेक्स्ट 55 नंबर क्वेश्चन है, भारत में अंग्रेजी शिक्षा की शुरुआत किसने की थी। सो फ्रेंड्स 55 का आंसर होगा ए, सॉरी 55 का आंसर सी, मैकाले ने। नेक्स्ट 56 नंबर क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय का सरोकार नहीं था किससे। सो फ्रेंड्स 56 का आंसर होगा ए, संस्कृत की शिक्षा से। नेक्स्ट 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष की गई थी। सो फ्रेंड्स 57 का आंसर होगा बी, 1885 ईस्वी में। नेक्स्ट 58 नंबर क्वेश्चन है, संविधान समिति के सदस्य कौन थे। सो फ्रेंड्स 58 का आंसर होगा बी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट 59 नंबर क्वेश्चन है, सूर्य से कौन सा ग्रह सबसे नज़दीक है। सो फ्रेंड्स 59 का आंसर होगा सी, बुध। नेक्स्ट 60 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय प्रमाणिक समय ग्रीनविच मध्य समय से कितना आगे होता है। सो फ्रेंड्स 60 का आंसर होगा सी, 5 घंटे 30 मिनट। नेक्स्ट 61 नंबर क्वेश्चन है, रिक्टर स्केल पर क्या नापते हैं। सो फ्रेंड्स 61 का आंसर होगा बी, भूकंप। नेक्स्ट 62 नंबर क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा कौन से देशों को अलग करती है। सो फ्रेंड्स 62 का आंसर होगा बी, भारत और चीन को। नेक्स्ट 63 नंबर क्वेश्चन है, कार्बेट राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है। सो फ्रेंड्स 63 का आंसर होगा सी, उत्तराखंड में। नेक्स्ट 64 नंबर क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी बांध का निर्माण किस नदी पर किया गया है। सो फ्रेंड्स 64 का आंसर होगा सी, ब्यास पर। नेक्स्ट 65 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही हुआ है। सो फ्रेंड्स 65 का आंसर होगा डी, झरिया कोयला उत्पादन से संबंधित है, इसका मिलान सही हुआ है। नेक्स्ट 66 नंबर क्वेश्चन है, बॉक्साइट यानी कच्चा स्फटिक का उत्पादन सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में होता है। सो फ्रेंड्स 66 का आंसर होगा बी, ओडिशा में। नेक्स्ट 67 नंबर क्वेश्चन है, किस देश में प्रायः सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं। सो फ्रेंड्स 67 का आंसर होगा बी, जापान में। नेक्स्ट 68 नंबर क्वेश्चन है, इम्फाल किस राज्य की राजधानी है। सो फ्रेंड्स 68 का आंसर होगा सी, मणिपुर की। नेक्स्ट 69 नंबर क्वेश्चन है, झारखंड में धनबाद किस लिए प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स 69 का आंसर होगा बी, कोयले खदाने के लिए। नेक्स्ट 70 नंबर क्वेश्चन है, बादल क्या होते हैं। सो फ्रेंड्स 70 का आंसर होगा बी, तुषार होते हैं। नेक्स्ट 71 नंबर क्वेश्चन है, यूरेनियम का उत्पादन भारत में केवल एक ही कारखाने में सीमित है, वह है। सो फ्रेंड्स 71 का आंसर होगा सी, जादूगुरा झारखंड। नेक्स्ट 72 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी के किनारे बद्रीनाथ स्थित है। सो फ्रेंड्स 72 का आंसर होगा बी, गंगा के किनारे। नेक्स्ट 73 नंबर क्वेश्चन है, डियागो गार्सिया द्वीप किस महासागर में स्थित है। सो फ्रेंड्स 73 का आंसर होगा सी, हिंद महासागर में। नेक्स्ट 74 नंबर क्वेश्चन है, फरक्का बांध स्थित है किधर। सो फ्रेंड्स 74 का आंसर होगा बी, पश्चिम बंगाल में। नेक्स्ट 75 नंबर क्वेश्चन है, किसको भारत का जुड़वा शहर कहा जाता है। सो फ्रेंड्स 75 का आंसर होगा सी, हैदराबाद सिकंदराबाद को। नेक्स्ट 76 नंबर क्वेश्चन है, बरौनी किसके लिए प्रसिद्ध है। सो फ्रेंड्स 76 का आंसर होगा बी, तेल कारखाने के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट 77 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस जोड़ी का मिलान सही है। सो फ्रेंड्स 77 का आंसर होगा
सी कोलकाता दमदम। नेक्स्ट 78 नंबर क्वेश्चन है, प्रसिद्ध जहाज निर्माण केंद्र किस स्थान पर स्थित है। सो फ्रेंड्स 78 का आंसर होगा ए कोच्चि केरल। नेक्स्ट 79 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक राज्य का घटक नहीं है। सो फ्रेंड्स 79 का आंसर होगा सी सभ्यता। नेक्स्ट 80 नंबर क्वेश्चन है, राज्य की सदस्यता नहीं होती है। सो फ्रेंड्स 80 का आंसर होगा सी ऐच्छिक। नेक्स्ट 81 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस की राज्य क्रांति का कौन सा एक नारा नहीं था। सो फ्रेंड्स 81 का आंसर होगा डी न्याय। नेक्स्ट 82 नंबर क्वेश्चन है, कल्याणकारी राज्य को किस दूसरे नाम से भी जाना जाता है। सो फ्रेंड्स 82 का आंसर होगा, 82 का आंसर डी होगा, उदारवादी राज्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट 83 नंबर क्वेश्चन है, रूस की राज्य क्रांति का नेतृत्व किसने किया था। सो फ्रेंड्स 83 का आंसर होगा सी लेनिन ने। नेक्स्ट 84 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। सो फ्रेंड्स 84 का आंसर होगा ए राष्ट्र और राज्य एक जैसे ही हैं। नेक्स्ट 85 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा आधुनिक राज्य में विधि का एकमात्र उद्गम स्रोत है। सो फ्रेंड्स 85 का आंसर होगा ए विधानमंडल। नेक्स्ट 86 नंबर क्वेश्चन है, विधि का शासन केवल संभव है किस देश में। सो फ्रेंड्स 86 का आंसर होगा सी लोकतंत्र में। नेक्स्ट 87 नंबर क्वेश्चन है, सामाजिक समता का अर्थ क्या है। सो फ्रेंड्स 87 का आंसर होगा सी भेदभाव का अभाव। नेक्स्ट 88 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा राजनीतिक अधिकार नहीं है। सो फ्रेंड्स 88 का आंसर होगा ए शिक्षा का अधिकार। नेक्स्ट 89 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है। सो फ्रेंड्स 89 का आंसर होगा बी अधिकार जन्म के साथ ही प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट 90 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक नागरिक का कर्तव्य नहीं है। सो फ्रेंड्स 90 का आंसर होगा सी समाज का आज्ञा पालन। 90 का आंसर सी होगा। नेक्स्ट 91 नंबर क्वेश्चन है, समाजवाद का अर्थ क्या है। सो फ्रेंड्स 91 का आंसर होगा बी राष्ट्रीयकरण। नेक्स्ट 92 नंबर क्वेश्चन है, 73वां संविधान संशोधन संबंधित था किससे। सो फ्रेंड्स 92 का आंसर होगा ए पंचायती राज से। नेक्स्ट 93 नंबर क्वेश्चन है, कार्ल मार्क्स ने राज्य के भविष्य के विषय में क्या कहा था। सो फ्रेंड्स 93 का आंसर होगा बी राज्य का विनाश होगा। नेक्स्ट 94 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा प्रजातंत्र में एक बहुदलीय पद्धति का गुण है। सो फ्रेंड्स 94 का आंसर होगा बी सभी समूहों का प्रतिनिधित्व होता है। नेक्स्ट 95 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्य कार्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में है। सो फ्रेंड्स 95 का आंसर होगा ए न्यूयॉर्क में है। नेक्स्ट 96 नंबर क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र संघ ने निम्नलिखित में से कौन से दिन मानव अधिकारों का घोषणा पत्र स्वीकृत किया था। सो फ्रेंड्स 96 का आंसर होगा सी 10 दिसंबर 1948 को। नेक्स्ट 97 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी का मिलान सही है। सो फ्रेंड्स 97 का आंसर होगा बी कौटिल्य अर्थशास्त्र से। नेक्स्ट 98 नंबर क्वेश्चन है, 98 नंबर क्वेश्चन है, भारत की खोज के लेखक कौन थे। सो फ्रेंड्स 98 का आंसर होगा सी पंडित जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट 99 नंबर क्वेश्चन है, टॉलस्टॉय की प्रसिद्ध पुस्तक कौन सी है जिसने महात्मा गांधी के विचारों को प्रभावित किया। सो फ्रेंड्स 99 का आंसर होगा डी वार एंड पीस। नेक्स्ट 100 नंबर क्वेश्चन है, 1913 में रविन्द्रनाथ ठाकुर को कौन सी पुस्तक के लिए नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। सो फ्रेंड्स 100 का आंसर होगा ए गीतांजलि के लिए। सो फ्रेंड्स ये था हम लोग के आज के प्रैक्टिस सेट का डिस्कशन। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, नहीं लगे डिसलाइक करें, डिसलाइक क्योंकि कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और नए लोग सब्सक्राइब जरूर करें। सो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।